हर चीज वर्णन नहीं हो रही, हर चीज का वर्णन हो रहा। ये जगती यथार है, इसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, तो इसमें जो फते हुए हो तो क्या करो, इसमें हर चीज कुछ है। खेल जो कुछ भी है सूरत का है, राजा का जीवात्मा सीता का, जो अपने स्वामी शब्द से अलग हो गई है, ये उसी का खेल है। अगर शब्द को पकड़ लिया होता, पकड़े तो थी, लेकिन धीरे से उसने धोखे में आकर के थोड़ी भूल आई जो छोड़ दिया, और एक बार तो छोड़ा तो अभी तक मिला नहीं। इसी को तो कहते हैं काल, ये तत्व से छुड़ा दिया और अब अभी मिला नहीं। तो आप उसको भूल गए, अब ऐसे भूले कि स्वीकार ही नहीं कर सकते। महात्मा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जगाते हैं, देते हैं, ले जाते हैं, लेकिन फिर भी तंगाई है, क्योंकि वो चीज लोप हो गई। तो ये सत्संग है, तत्व का जीवात्मा को तंग करना है। आज करो कल कर लेना, लेकिन करना है। इसको नरदेही में व्यर्थ मत जाने दो, ऐसा मनुष्य बोल शरीर थोड़े दिन के लिए आपको दिया, उसे काम लिखो। तो प्रमाण देते देते, सबूत देते देते कि भाई देखो रवियों ने महापुरुषों से ये प्राप्त किया, तब आपको ये हुआ कि नहीं ये ठीक है। वो आए थे और उन्होंने उस मालिक को पाया, और वही आकर के फिर इनको जगा के ले जाएंगे। मनो शरीर है तो हम बोला किराए के मकान, अब इस पर क्या यकीन किया जाए। अभी इसी समय छोड़ दे, हजार से खत्म हुई छूट जाए, 2000 से खत्म हुई छूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अब ये तो उसका शरीर आप करते हैं, वो जब तक चलाना चाहे चला ले, वैसे काल के देश में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। धोखे की चीज आप जमा करते रहोगे, इकट्ठी हो जाएगी, और धोखे में आप कहोगे धोखे में चल जाओ, धोखे से छूट जाए। कोई उसका जिसको मेहनत करो जिसके और जमा करो, तो ऐसा उपाय करो ऐसा चला जाए, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। तब अंत में जाकर के आपको यह मालूम होगा कि इसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि जाने वाली चीज तो वहां है, ये तो सब यहाँ ही रहने वाली। इसको उठा करके और कणों को जोड़ दिया और तुमको बैठा दिया। अब जब कुछ समझ में आई तब उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं जाएगा, तो क्यों मेहनत करते, इतना परिश्रम करते हो क्यों? फिर मालिक के दीदार दर्शन पाने के लिए परिश्रम कर लो, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाए। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं, मैं वो चीज आपको सुना रहा हूं जो लोगों के पास नहीं। बोलो पंचम किला तथ सुल्तानी बादशाह सचानी जजानी। कहते हैं कि पंचम किला पांचवा धाम, पांचवा लोक,
पिंडंड और ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड के पार, चौथा लोक चौथा धाम, अमर धाम और अस्थाई धाम, ये पार। तो कहते हैं वो सुन लीजिए, वो ईश्वर से भी परे ब्रह्म और ब्रह्म से भी परे पार और पार ब्रह्म से भी परे महाकाल और महाकाल पुरुष के पार चौथा धाम, चौथा लोक है उसका नाम सत्य। सत्य धाम कहते हैं। अब इतनी दूर रास्ते से जब ही चल के जा सकते हो जब रास्ता की चलते, ऐसे नहीं जा सकते, देखने वाले की जरूरत है। रास्ता देखा और हम बता बोले चल चले, ऐसे सुन लेना कुछ न सोचना, तो यह तो अपनी अज्ञानता है। आए हो कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। तो कहते हैं पंचम किला तुक तक तोलता, यानी उस पर कोई किसी का दबाव नहीं, न उस पर किसी का अधिकार। किला कहते हैं बहुत बड़ा, तो ये मृतलोक से भी बड़ा और स्वर्गलोक से भी बड़ा और जहाँ ईश्वर बैठे हैं वो उनसे भी बड़ा, नीचे के सब लोगों से कई गुना ज्यादा बड़ा। और उसके बाद में फिर असली धाम जहाँ से हम सब लोग आए, वो तो मतलब ये है कि उसके सामने क्या चीज इतना बड़ा। अब जिन्होंने देखा जाके वो तो जान सकेंगे, जिन्होंने देखा। तो सूरत कहती है कि हमने यहाँ आकर के सच्चे बादशाह को बैठा और ये बैठा हुआ सच्चा बात। जब सच्चे बादशाह को पहचान लिया, ये निर्भय है, निर्भीक है, किसी से तो डर नहीं, सब इसी से डरते हैं, तो आपका तो वो दयालु पुरुष दयानिधि है, करुणा का सागर। सूरत ने वहां जाकर के उसको देखा और ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये ऊपरी हिस्से में यहाँ पर बैठी। तो गुरु ने भेद बताया तो तू चली, भेद नहीं देता तो वहां जाती थी, तो भेद दिया सैदल कमल मिला और उस ज्योति स्वरूप नारायण यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा और खुदा को यानी भगवान को पाया, देखा देखा उसने, क्योंकि इधर से चलेगी तो देखेगी। अब वहां से चली तो उन्होंने ब्रह्म को देखा, वहां से रवाना हुई तो पहाड़ में मिले बीच में, और वहां से भी आगे चली तो फिर मतलब ये तो हम पुरुष का दीदार किया। अब ये तो ऐसे हैं कि आपने पहुंच करके वहां देखा है, तो अब क्या कहा जाए कि ये कितना बड़ा। तो इनका रूप जो है वो तेज प्रचंड रूप, दोपहर का जैसे मध्यान्ह रवि छा गई, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गया, रोशनी रोशनी हो गई, ऐसा उसका अखंड रूप। और सूरत ने उसको शब्द सवारी पर लेकर और वहां जाके देखा, फिर वो आगे धस गई। सत्यदेव बोलो। चली सूरत देखा मैदाना,
जब सहारे अद्भुत चौहान, कहते हैं तुरंत आगे चली तो अजब अजीब गरीब, यानी अजीब गरीब का मतलब जो कहने में आता है, जो इशारे में भी नहीं आता, अजीब गरीब कहते हैं खैर। और कितने बड़े बड़े महल वो सूरत ने वहां जाकर के देखा, और शहर कितना बड़ा है, जितना कि ये सब ब्रह्मांड, खंड पिंड खंड और पार ब्रह्मांड, ये जितना वो तो एक रेशे में, एक रेशा है इसका, जो यहाँ है उसका एक रेशा, यहाँ कुछ नहीं है उसको देख करके, एक खाली चिन्ह है और कुछ तो थी। और इसकी क्या तारीफ उसके सामने की जाए, ये तो कुछ नहीं है, जैसा हुआ है यहाँ कुछ भी नहीं। तो तुरंत गई और वहाँ जाके उसकी दर्शन जा रही है, दर्शन के लिए बोलो अमृत कुंड अमीय की खाई महल सुनहरी रचे बना। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कुंड अमृत के, इतने सारे संसार, इतने मतलब ये अरबों खरबों यानी योजन लंबे चौड़ा पार, कहते वहां पर हमने देखे और एक रेस ये हमने वहां देखा, और उसी अमृत की दीवारें करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ऐसी दिखाई देती हैं खड़ी, और उन पर जो चित्रकारी जो वहाँ चमक और वहाँ खेल और तमाते हो रहे, उसको साधक जब वहाँ जाके देखता है तो किस मुँह से कहेगा, उसके बाद कहने की जिब्बा नहीं और आंखों के पास इतारा भी नहीं, कोई चीज नहीं उसकी जो वहाँ। तो सूरत कहती है हमने जा करके ये देखा, बोलो चौक चांदनी दीप अनुपा हंसन शोभा अचरज रूपा, ऐसे ऐसे अंतरअग्नि और बड़े बड़े दीप खंड वहां देखते ही रह जाएगी, ये शोभा आश्चर्यजनक हमने अपने आंखों से वहां दे। अजब शहर है, क्या कहा जाए, अजब लीला कारीगरी, अजब ऐसे ऐसे महल वहां पर, आप सूरतों के अरबों अरबों लंबे वृक्ष खड़े हुए जिसको आप देखते रहे हो, और इतनी छाया जैसे तब आपका संसार है, ऐसे तमाम और फलों से एरी लदे हुए, अब मुंते फल है ये फल यहां कुछ नहीं, सब सुरते वहां पर चैचिया चैचिया सब आवाज कर रही है, सब लटके ऐसा मन होता इतना हरा भरा, और ये खेल उन पत्तों के ऊपर होता रहता है, इतने लंबे लंबे साधक जो इधर से जाएगा वो ऐसा मालूम होता है कि मुझे कल भी बीत गए और हमने कुछ नहीं देख पाया, ऐसा साधक को पता चलता है ये दृश्य वहां, और वो भी जो कुछ बताया जा रहा है खाली जा रहा है और कुछ बता ही नहीं सकता। बोलो खोड़स भान चंद्र उजियारा सूरत चढ़ी देखा निज द्वारा, कहते सूरत ऊपर चढ़ी और कितना कितना एक सूरत में प्रकाश है, वो जो भंवर गुफा में जो मध्यान्ह का तेज यानी मतलब है प्रचंड जो प्रकाश है उस सूरज का जो सफेद है
और कितना कितना ज्यादा है इतना एक एक सूरत का, एक एक सूरत में रहता और बढ़ोतरी उसका रूप रहता अनुपम रूप, उसे आनंद को शांति को समृद्ध को उस रूप को कैसे खुलासा किया जाए। जब तुरंत साधन करते करते पहुंचेगी तो अपने आप देखेगी और उसको सब प्रकार से संतुष्टि हो जाएगी। बोलो द्वारपाल जहाँ बैठे हंस कहीं कहीं अंश कहीं कहीं बंद। द्वारपाल उस किले के चारों तरफ द्वारपाल बैठे तो वहां के रहने वाले कुछ आते जाते कुछ दूसरे लोगों से जाएंगे, कई वहीं के बाद जिंदे और कई आने जाने वाले, ये सब वहां बैठे उस आनंद को देखते और लेते रहते। बोलो सहज सूरत तहां वचन सुनाए कहो भेद तुम यहाँ कस आए। वो सूरत से पूछा गया कि अरे सूरत तू यहाँ कैसे आई, वहां के जो हंस निवासी है उन्होंने पूछा कि तू यहाँ से कहाँ से आ गई। यहाँ सूरत नबीन कही तब वाणी संत मिले उन कही। जो यहाँ से सूरत वहां गई तो उसको कहते हैं नवीन सूरत, वो महास्थाई सूरतें जो रहती है पूछती है तुम कैसे आए, तो उसने उत्तर दिया बड़े प्रेम के साथ कि मृतलोक में संत मिले उन्होंने ये निशानी दी, उन्होंने ये रास्ता दिया है यहाँ आने का, हमको कुछ नहीं मालूम, तब हम उनकी कृपा से यहाँ आए, उनकी कृपा न होती तो यहाँ हम कभी नहीं आते। बोलो इतना कह तब भीतर धसी सत नाम दर्शन कर हसी। फिर वो अंदर प्रवेश हो गई थोड़ा और अंदर यही जा करके दर्शन किया इसका सच। उप माध्य से उठी आवाज तो तुम हो आए के ही का। कि भाई मध्य से आवाज उठी पूछा गया आपके भाई तुम कौन हो कहाँ से आए किस लिए आए हो कौन कहाँ से आए किस लिए आए आवाज आई सुनाई थी। सतगुरु मिले भेद सब दीना तिनकी कृपा दरस हम ली। कहते हमको सतगुरु मिले उन्होंने बताया और वो हमको यहाँ ले आए चढ़ा कर और उनकी कृपा से हमने आपको दर्शन किया दर्शन सतपुरुष जिनका नाम सतनाम है उनका दर्शन कृपा कितनी हुई मुझे उन्होंने ये सब निशान रास्ते के सब बताए तो मैं उनकी दया से चढ़ कर गया और आपको दर्शन। दर्शन कर अति कर मगनानी सत पुरुष तब बोले वाणी। अब कहते हैं भाई दर्शन हुआ और दर्शन हुआ तो सतपुरुष ने वचन उच्चारण किया। बोलो अलख लोक का भेद सुनाया बल अपना दे सूरत। कहते आगे अलग लोग है अलग पुरुष है उनका भेद बताया और अपना बल अपना प्रकाश अपना शब्द उन्होंने उसको दिया और अपनी आंख अपने कान दिए तब बर्दाश्त होगा तो अलग लोग का उन्होंने सब भेद सुनाया।
और अपना बल देकर के उनको रवाना किया, व्रत को आगे भेजा। बोलो अलख पुरुष का रूप अनूपा अगम पुरुष निरखा कुल भूपा। अलग पुरुष का रूप अनुपम वो भी कहने में नहीं आता और उनका प्रकाश सतपुरुष से बहुत ज्यादा। अगर उनका कोटान को सूर्यों का प्रकाश तो उनका अरबों अरबों सूर्य और चांद का एक एक रोम में प्रकाश, इतना प्रकाश है तो रूप भी उनका कितना बड़ा होगा, आंख कान कितने बड़े होंगे। ये तो हाथ होगा नहीं पंच भौतिक, और हाथ भी उनके पास कितने बड़े बड़े हाथ होंगे। ये सब उन्होंने जाकर के अलगपुर का दीदार और दर्शन किया। बोलो देखा अचरज कहा न जाई क्या क्या शोभा बरनु भाई। अब वो सूरत कहती है मैं क्या बताऊं, मैंने जो सतलोक में देखा वो मैं नहीं कह सकती, और उसके ऊपर में आया तो यहाँ आकर के हम लोग ने देखा, तो जब मैंने मतलब इधर आकर के देखा तो शोभा उनकी क्या बात, ऐसी शोभा है। अब वो तो भाषा तुरंत पहचानती जो जाती आती वो तो मालूम होगा, आप चाहो कि हम पहचान तो नहीं भाषा हम पहचान। बोलो तीन पुरुष और तीनों लोग देखे सूरत पाया जो। कहते हैं कि तीनों पुरुष सतपुरुष अलग पुरुष और अगम हमने वहां जाकर के उनको ठीक से देखा और दर्शन किया। बोलो प्रेम विलास जहां अति भारी सतगुरु स्वामी कहत पुकार। अब महाराज कहते हैं संत महाराज कि जब मैं आगे गया तो वहां क्या हो रहा है, क्या उनकी अद्भुत तो नाम है, ना उनका कोई नाम है ना उनका कोई रूप ना उनके महल की कोई पैमाई और ना उसके शब्द को कोई कह सकता वर्णन कर सकता। ऐसा वो पुरुष है विदेही देह से रहित, उसको सूरत कहती है कि वहां जाकर के दर्शन किया और वहां से मिली। तो ये कितना लिपट करके रोई चीखी है वहां जाकर के, इतना समय इतना वक्त हो गया यहाँ से गए हुए और दर्शन नहीं मिला, तो बहुत चीखी बहुत चिल्लाई। तो आना भी पुरुष ने फिर प्याग, तब इसका जी भरा क्योंकि सच्चा बता है तो वही है। माए सत गुरु संग करूंगी आरती वो भी रहिनी को कोई मत हट को। बोलो जिगर जले का दीपक बारू मन बट कर माए बाती। क्या करूं इतने इतने युग हो गए गिनने में नहीं आए, तब से यहाँ से अपने प्रीतम को छोड़ के गए और इतने समय के बाद जब वो संत मिले तो उनकी दया कृपा हुई, उन्होंने यहाँ लाके पहुंचा और साथ ही साथ सबका दर्शन करा। लेकिन तीनों धाम में अलग धाम में अगम धाम में सत धाम में एक ही रूप है जो अवनामी पुरुष का रूप है वही, इसमें कोई फर्क नहीं। क्यों कि उन्होंने ये कहा कि मेरा निज रूप मैं खुद ही वहां बैठा हूं, मैं सतलोक में हूं अलग लोक में मैं अगम लोक में और मेरा ये रूप सबसे विशाल है। ये सब उन्होंने आंख से देखा और कितना उल्लास कितनी खुशी और कितनी उसको मतलब ये रोना,
ये तब तुरंत अपनी आग बुझा दी और सदा के लिए यहाँ से छुटकारा पा। जो तजगाऊं दर्द प्रेम की आरत फेरूं सोज मरम की। अब कहती है देखो निकाई कहते हैं सबसे पहले चला गुरु महाराज की कृपा हुई तो ज्योत जगाई और बड़े प्रेम सद्भाव के साथ में ज्योत का दर्शन हो गया, प्रकाश चारों तरफ फैल गया, अंधेरा सब का सब दूर हो गया और तुरंत अमृत का पान करती तो धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। बोलो वेदन मेरी सतगुरु जाने बिन दीदार नहीं मन माने। भाई इसको तो सदगुरु जानते हैं, मेरी वेदना मेरी इच्छा सदगुरु को मालूम है और किसी को पता नहीं, वो सब जानते हैं। वही जली हुई जले हुए हृदय को वही जीवित करेंगे। ऐसी तड़प मालिक के लिए होती है और उसको सदगुरु देते हैं, तब जीवात्मा के ऊपर में उसकी बरसात दया की होती है। दर्शन सतगुरु नाही दिखावे। कहते हैं कि दूत ने जो हमने कर्म किए उससे वो हमको रोकते हैं और बहुत डर दिखाते हैं कि हम तुमको देखेंगे उधर जा रहे हो और मैं तुमको हुआ। और वो जो दूत हैं वो बड़े मतलब जल्लाद, अगर सूरत देख लीजिए तो जान खत्म। जैसे भेड़िया आया और बकरी कान गिरा लिया उसने और धीरे धीरे जैसे जाएगा उधर चली जाती, ठीक इसी तरह से वो इतना भय और खौफ लगता है उनसे सिपाहियों से, जो काल भगवान के सिपाहियों उनसे इतना डरे। लेकिन जब सतगुरु मिल जाते हो दया करते तो इनसे उनका कोई भय नहीं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर दया कर दे तो हमारा भी छुटकारा हो जाए, फिर उसे चाहने लगते। लेकिन और जीवों के लिए तो बहुत मुश्किल है। बोलो काओ न उपाव करूं मैं सजनी जो रजुलम इन कब लग। बहुत हमने उपचार किए, तरह तरह की पूजा की, तरह तरह के नियम उनका आधार किए, निमित्ता में व्रत किया, तरह तरह का ठंडे सूरी रहे और योग किया, लेकिन इससे रजनी इनसे हमारा जोर नहीं चलता, ये बहुत ही खतरनाक है। और इनके देश में हमसे कर्जा लदवा लिया और अब हमको मत मारते पीटते छोड़ते रहे, ये बात तो सही है। काल के देश में आपने जो इच्छा की और ये कर्म किए तो उसे बच गया, अब जब तक बड़ा न मिले तब तक इनसे छुटकारा नहीं होगा। तो बड़ा मिल गए अब वो उनसे डरते भी हैं कि अगर ये हम कुछ करें ये सामने खड़े हो जाएंगे और हमको सजा भोगनी पड़ेगी, इतना डर है। छूटा डर नहीं है, बहुत डर है। जल बल खाक किया मैं अंगा जस ज्योति पर जले पतंगा। काओ न सुने मेरी किस पाए रोऊं जैसी बिथा मेरी। वो सूरत कहती है कि भाई मैं किसे रोऊं, कौन हमारी सुनने वाला, हमसे कर्म करा लिया ज्ञान में, हमको पता नहीं था इस कर्म का ये फल मिलेगा, अब हम रोते चिल्लाते हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं, सदगुरु हमको मिलते नहीं जो हमको जगा करके रखता दें और दे करके हमको पहुंचा दें, वो तो मुकाबला होता नहीं। ये सब मिलते हैं तो मेरे कर्मों का हिसाब और सामने डरवाते धमकाते हैं कि गोप तुमको देखेंगे और वहाँ ले चलेंगे तब तुम्हारी अच्छी तरह से मराई करेंगे और तुमको रगड़ेंगे और तुमको पेरेंगे, तुम्हारा मतलब है कोल्हू में डाल करके पेरे जाओ। तो रूहें जीवात्मा इधर तर कांपती है, इस तरह से कांपती है।
सतगुरु मिले तो इनको बचा ले, वो मिलते नहीं, और मिल गए तो फिर दूर से डर दिखाएंगे कि अब तुम चलो हम देख लेंगे तुमको। ये बात तो सही है कि उनके सामने कुछ कर नहीं सकते, डरवाते ही हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, बात बिल्कुल ठीक। लेकिन जिनका कर ले वो तो मतलब है कि आप उनके लिए वो तो खौफ डर है भाई, इससे आप उनको मानते हो, यानी खौफ से डरते वो मानते हो, अगर ये ना हो तो आप कभी नहीं मानते। तो गुरु ने कृपा की है और वहाँ हो जाते, और कहा ऊपर में अलग भी है और अगम भी है और अना भी है और नीचे नीचे पार ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है और ईश्वर भी है, सब है, और स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, और सूक्ष्म लोक भी है, और कारण लोक भी, और कारण के बड़े वो भी लोग। अब इतना जो सत है वो जब आपको मिल जाएगा तब मौजूदगी आएगी, फिर आपका डर निकल जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा नाम के सामने, उनके रूप के सामने, उनकी आवाज के सामने फिर कोई डर नहीं, पूछ नहीं आपका बाल बाका कर सकते, रोज आए रोज जन्म ले रोज बताए कुछ नहीं। बोलो आह आह कर निस दिन दई हो सबर न आवे फिर पछताई। अब सूरत के अधिक में आया है चला और हमको सबर होता नहीं कि इनसे हम बच जाएंगे, लेकिन जब दूर मिल गए तो ये उनकी ही जो जलन थी वो खत्म, जो आए आए तथक करते थे वो खत्म हो गया, अब उन्होंने रचा की बचा लिया, तब ले चलते हैं कि चलो अब चलो, अब कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ तक आ गए और यहाँ से आगे चले चलो, चलो तुमको वहाँ दिखाएंगे। तो साधक प्रेमी उसकी सूरत जो है वो तैयार हो जाती है मिला देंगे, वो तो इसी काम के लिए तो आते ही है, बस मिला दिया उन्होंने, फिर उसके चलो तो मेरा तीर तोड़ते हैं और जगह जगह आकर के जन्म लेती हैं, फिर आपको मदद करती हैं, इनकी मदद हो क्यों नहीं मिलती। अब इनसे कहते हैं कि भाई तुम खोज कर लो, कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएंगे, तो ये खोजते ही नहीं, मानते ही नहीं, कि हम नहीं मानते कहीं मिल जाएंगे, हम उनको नहीं मानते, तो उनको कुछ और ही मान लो। तो उन्होंने डेढ़ हाथ का कोई लकड़ी जैसा मान लिया कि वो है वहाँ पर, अब वहाँ नहीं है तो हम कह सकते। बिना सतगुरु अब कोई नहीं मेरा, दुख दर्द ने अति कर घेरा। कहते बिना सतगुरु के हमारा कोई है नहीं, और सतगुरु मिलते नहीं है तो हमारी देह कौन देखभाल करे, इसलिए सतगुरु की खोज करो, आपको मिल जाएंगे तो बचा लेंगे, मोटी सीधी सादी बात है ये। आप मैंने आपको ये सुनाया कि देखो सुरतों ने गुरु को पा करके देखिए प्राप्त किया, और ये जो बैठे हुए इन्होंने पाया तो इन्होंने दूसरों को दिया, लेकिन कहते सब है कि हमने गुरु के द्वारा पाया, हम ऐसे भी आए। वहां जब पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए किस मतलब से, तो उन्होंने कहा कि वो गुरु मिले और उन्होंने ये रास्ते की दम निशानी दी और ये कहा कि चलो वहां तक पहुंचा देंगे और मैं लौट आएंगे। जब वहां पहुंचाया तो आप उनके हो गए, गुरु का काम खत्म, अब उनका कोई काम नहीं रह गया, उन्होंने पहुंचा दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े के एक एक लागू पाए बलिहारी और गुरु की, इन्होंने जो गोविंद को मिला दिया, मालिक से मिला दिया, इनकी है।
मैं बलियान हूं इन पर, और इन्होंने औरों पर भी दया की, उनको भी ला दिया। यह है मतलब महिमा महापुरुषों की। तो आप लोग जल्दी से चलो, ये सब तुम्हारी आँख के सामने सब कुछ आ जाएगा, सब तुम देखने लगोगे और सब सुनने लगोगे सब। और पर्दे इस तरह से जड़ेंगे जैसे आतिशबाजी में वो बूंदे उठ निकलती है, चमक उछड़ जाती है, ऐसे ही तुम्हारे पाप जितने भी लगे होंगे सब झड़ जाएंगे। कुछ लगाएगा निकाली तुम तो रक्त का निकल आएगा, तब उसका सच्चा दर्शन तत्रूप का। बोलो जय गुरुदेव। आज शाम को एक जब रास्ता मिला उदया हुई तो कपड़े फाड़ दिए, जनेऊ को तोड़ दिया और फेंक दिया। तो महापुरुषों ने कहा कि ये तो कोई साधन नहीं, ये तो कोई साधन नहीं हो कोई। अरे इससे क्या तुमको, तुम 100 कपड़े पहनो और 100 जनेऊ करो तो कुछ नहीं, वो रास्ता संतों का इससे सब ख्याल है। न वहाँ जनेऊ टूटेगा और न वहाँ पर घर पूरा टूटेगा और ना किसी को गाली दिए तो अलग है। तुम इधर से ऊपर उठ चलो, ये आज्ञा चक्र यहाँ बैठी हुई और यहीं से ऊपर उठ जाओ तो ये सब छूट जाएगा। कपड़ा कपड़ा खाना पीना ये वो और व्यवहार और लोकाचार और बच्चे और कच्चे और स्त्री पुरुष और खेती दुकान दफ्तर ये सब ये नीचे छूट जाए। तुम 2000-4000 जनों पहन लो कपड़े पहन लिए, इतने कुछ राह बिल्कुल अलग है। तब जीव की तो तब समझ में आता है जब गुरु हर बात से मजबूत कर देते समझ जाता है। तो आपको अच्छी तरह से भजन ध्यान और आज है 11 तारीख, 12 तारीख का ये कार्यक्रम 9 दिन का है, 4 से और 12 तक। तो अब एक दिन ये रह गया, एक दिन कल कर रहे हैं। तो आज तो नामदान नहीं देंगे आपको, लेकिन कल दे देंगे। कल आपको नामदान जो नए लोग रात को आए होंगे रह गए होंगे उनको, और जो इधर उधर से आ गए उनको भी मिल जाएगा। और फिर सच्ची आराधना साथ लेकर के करो, जल्दी सफलता मिल जाएगी। अभी तक लोग कुछ का कुछ सोचते रहे। अब ये देखो सबके कैंप में भंडारा खुला है, सबके कैंपों में खुला होता है। कोई नया आदमी आ जाए और किसी भंडारे में बैठ जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको मिलेगा। कोई आ जाए उनको कोई जात पात पूछना कि तुम कौन काम करते हो कौन नहीं करते, कोई भी आए और बैठ जाए और वहाँ मंगल कर। इस तरह का ये कुदरती प्रबंध, इसको देखोगे तो कहोगे कि कौन इसका संचालन कर रहा हो, पता कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ भूखा नहीं रहना, ये व्यवस्था रास्ते में पूरी की पूरी काफला निकलेगा तो पूरी व्यवस्था रहेगी। कम से कम 100 भंडारे और हो सकता है कि ज्यादा भी हो, तो से तो कम नहीं हो ज्यादा, तो भंडारे रहेंगे और कोई भी आ जाए और किसी भंडारे में खड़े हो जाए, रात तो रह जाए तो शाम को आए तो दिन में कहीं जाए तो भोजन तो उसको छुड़ा मेटने के लिए कुछ आमा चाहिए तो मिल जाता है। सत्संग सुनो और फिर सब याद करो और भजन करना सीखो और एक दो पड़ाव आगे चले चलो लौटे ना तो जल्दी पल्ले पड़ जाता। ऐसा प्रबंध स्वाभाविक
अपने प्रेम भाव से ये देखने को मिलेगा। और सब जगह यही कहोगे कि हमारी समझ नहीं बात है कि ये कैसे चल रहा। तो ये भी मतलब ये है, उसी साधना में इसको लगा लीजिए, ये भी एक तरह की साधना है उसके सहयोग के लिए, उसका सहयोग दे दे ताकि निश्चिंत वो अपना कुछ कर सके। तुमने ध्यान भजन कर ले, नहीं तो यही चिंता रहेगी वहाँ कहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ जंगल है वहाँ क्या मिलेगा। तो ये बात सब देख लिया और सब लोग देख करके आगे से आ गए और वहाँ रुक करके फिर आगे पहुँच गए और फिर आ गए और फिर पहुँच गए। कई बार उनको देखा, कई बार चले गए, घर का इंतजाम किया फिर चले गए, फिर आए तो फिर काम किया फिर चले गए। इस तरह से बड़े मजबूर होता कर और उनको होने लगा, तो रात हो गई उनकी। आप प्रेमी हो, अब जाओगे जाने की तैयारी, ऐसा तुम्हारे कदम से पता चलता है कि अब जाओगे। तैयारी कुछ आज करेंगे, क्यों कि आप आ गए हो, मतलब यह है कि कोई चार को आ गया, कोई चार के पहले आ गया, कोई पांच को आ गया तो दिन हो गए। तो आप सोचते हो कि भाई जरा चलेंगे, थोड़ा बोने को रह गया और कुछ तिजाई, एक आध बार तीज देंगे फिर चलेंगे। तो बाद में कुछ इंतजाम कर देंगे, भाई कुछ पैसे दे देंगे तो हमारा तीज देना तो हो जाएगा। इस तरह से आपको जाना, तैयार हो गया ना। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ क्या होकर के जाना, ये देखने की बात। और यह आपने अपनी आंखों से देखा, देखा, इसमें कोई मैं कोई इनकार थोड़ी करता हूँ, ये तो मालिक का रास्ता है, प्रभु का रास्ता है। तुम्हारा तो भाग है, तुमको मिल गया, तो उस रास्ते इसमें बोलता कि अहंकार का काम, इसमें कुछ नहीं है तो रास्ता है, अब चल पड़े। इसमें तो कोई वैसी चीज है नहीं है, जितना रास्ता है मालिक से मिल गया। तो इसमें किसी को अहंकार करना भी नहीं चाहिए, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपनी जीवात्मा को जगा के वहाँ ले जाए। आप भेदी जानने वाला आपको भेद दे दे और फिर उसकी थोड़ी मदद कर दे तो चल पड़े, इसमें कोई एक कर्तव्य है मालिक की तरफ से, हुकुम है ये काम को। तो जो आते हैं तो हुकुम लेकर के आते हैं और काम करते हैं, उसके हुकुम का काम करते हैं और जी मुगुल ले जाते पहुँचा देते। तब तो कहा कि हम ऐसे नहीं आए, तंत मिले उन दीन थाने, तंत मिल गए उनकी कृपा से हम इधर आए, उनकी कृपा से आपका दर्शन हुआ। वो नहीं मिलते हम क्या जानते थे आपको। तो ये तो बात है, कोई चाहिए मिलना चाहिए, कोई मिले तभी काम बनेगा। अच्छा बच्चे बड़ा ध्यान देना, जब आप डेरा खाली करो तो उसको बांध बूंद करके और वहाँ सड़क पर रख दो, क्योंकि हमारा काम प्रेमियों का हल्का हो जाएगा। और ये बात जाना तार खोलना, ये पाइप लाइन डाल दिए उसको खोद के निकाल के ले आना और यहाँ जमा करना, सब काम करना है। और ये टेंट वगैरह ये थोड़ा सा इसमें हल्का हो जाएगा, बांध के रख दीजिए तो खेत खाली हो जाएगा, उसमें हमको बुआई करवा देंगे तो गेहूं के लिए भी कुछ हो जाएगा। अब यह है कि जितने हमारे मथुरा के पास के जिले आगरा, कहाँ से दुल्लो आगराबाद, फिरोजाबाद, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी, इधर आपके बदायूं, इधर बुलंदशहर, इधर गाजियाबाद, ये जितने भी जिले आस पास के हैं, मुरादाबाद तक, बरेली, ये मतलब पीलीभीत इधर के, ये हमको कुछ भूसा दे दें, हमारे लिए तो है नहीं है, वो गेहूँ है उनके लिए हो जाएगा, एक दो दो तीन तीन गाड़ी भेज दो। सीधी बात आपको हम सुना रहे हैं, अब इस वक्त हमको जरूरत क्यों, हम जाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में उनका इंतजाम नहीं हो सका तो सभी बदल आ रही है, तो हमको उसमें से दे दी
तो इन गौओं का भी, इनका भी पालन पोषण होता रहेगा, क्योंकि आप भी तो इनके साथ जुटे हुए हो। वो अच्छी तरह से घी दूध का और मट्टे मट्टे का सेवन करते हो, उससे तो बहुत लाभ, उसकी भी देख रेख होनी चाहिए। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो उसको ध्यान में रखिए। हमने ये इंतजाम किया था जब अभी काफला चल रहा था उत्तर प्रदेश में कि अयोध्या में समापन होगा और लखनऊ में, तो लोगों ने कहा चक्की तो चल रही थी, तो अभी 24 घंटे दो घंटे के लिए रुक जाए तो अभी दो घंटे चक्की चले, तो कह लगे इतना पीस नहीं पाती, इतने लोग हैं, आटा पूरा नहीं हो पाता। हमने सोचा कि वहाँ तो इतने प्रेमी आएंगे कि उसके लिए फिर क्या करें, तो हमने आदेश दिया कि प्रेमियों जब तुम घर से चलो तो 1 किलो आटा रख लो, 1 किलो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 किलो रख लो और जिस भंडारे में तुम भोजन करो उसी में रख दो, वो दे दो, तो आटे की कमी नहीं होगी और कोई भूखा नहीं जा सकता। नहीं, आटा अगर घट गया तो रात दिन में चक्की और रात को बंद हो जाती है तो कहाँ पिटाएंगे, मान लो पड़ा है वहाँ चक्की नहीं है तो आटा के सब तरह की सुविधा, तो कोई कमी नहीं, और लोगों ने देखा और समझा। तो जरूरत पड़ने पर लोगों से हमने कहा, हमने कहे बच्चे बच्चियों हमको 1 रोटी दे दो बनी बनाई, खाली रोटी सूखी, हमको सब्जी दाल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, 1 रोटी तो माताओं ने कहा, देवियों ने कि हम 1 रोटी नहीं दे सकते आपको, कि क्यों नहीं कहोगे अधून है, तो हमने तुम्हारी जो इच्छा हो हमको 1 ही चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से चलें 1-2 किलोमीटर में ट्रक भर जाए रोटियों से, और फिर आगे चलें जो 50 किलोमीटर पहुँचे 4-5 ट्रक भर जाते हैं सब उतर के, तो रोटी खा लें। ये प्रेम की सुविधा, तबने बड़े सद्भाव से और रोटी बना कर लिया, क्या पूछना है, किस तरह का उसमें प्रेम। और लोगों ने कहा कि भाई हमने घर में भी रोटी बनती तो ऐसा नहीं खाया, प्रेम है, और इससे उनको फल मिलेगा। देवियों को जो बना के ले आई 1 रोटी लाने पर उनको परमार्थी फल, तब मतलब यह है कि वो बीज जब पड़ जाता है तो फिर प्रच हो जाएगा, जीवात्मा यहाँ से निकल चली, तरह तरह से फायदा पहुंचाना चाहते हैं, एक तरह से नहीं, हर बात से कि इनका विभाग जुड़ जाए, इस तरह भी जुड़ जाए, इससे भी, और चलो आगे पीछे तो लोग दौड़ करके जाए। एक बच्ची आई 30 किलोमीटर भाग करके और रोटी लेकर के, कहले बाबा जी ने कहा था कि 1 रोटी और आप चले गए, तो रो रही थी कि हम बाबा जी से मिलना चाहते, तो रो रही थी क्योंकि वहाँ आया तो 1 रोटी मांगी थी और वो चले गए और हमें लेकर के आई तो चले आए, तो 30 किलोमीटर आई, तो हमने जब उसको बुलाया तो उसने रोटी दिया करके तब उसके एवज में, तो फिर बहुत खुशी बता रो रही थी बात। ये है प्रेम, 1 रोटी, अरे 1 रोटी तो किसी भिखारी को भी दे देते हो जब घर पर आता है, उसको भी दे देते हो, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो सब तरह का प्रयोग जब जैसी जरूरत पड़ती है तो हो जाता है। तो काफले में बहुत बहुत के दृश्य तुम्हारे सामने आएंगे, उसको सब अध्ययन करो और असली लक्ष्य देखो कि हमको कहाँ जाना। तो आप समझदारी से और होशियारी से रहो, अपना अपना काम कराओ। हमारी तो आपसे ये कहना है कि अपना काम कराइए, एक चीज़ से जीवात्मा यहाँ से देख लीजिए और चले अपने घर की, उसमें लगो। और यह तो मतलब छोटा मोटा उससे दिल में काम है, ये तो सहयोगी हो ही जाएगा, तुम चलो तो आगे को। तो जो सूक्ष्म बातें आपके सामने कह दी है, जूते जाते वक्त भी इसका पालन करो, ताकि हमारा भी आगे तैयारी होना। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तो आपकी सेवा में लगे रहे इसी में, और अब चलने की तैयारी कर रहे हैं तो कितने दिन रहेंगे,
कल के बाद में, कल खत्म होने के बाद 12 दिन तो है, उसमें एक दिन आने में तो उसकी तैयारी करो। तो हमको भी कुछ थोड़ा बहुत चलने का थोड़ा बहुत तैयारी करनी, इसलिए सब सहयोग दे दो और सब दे करके बस सब खाली हो जाए और चलो। जल्दी तैयारी करोगे वहाँ से तब तो आ सकते हो, और तैयारी नहीं करोगे तो कैसे आओगे, क्योंकि यहाँ तैयारी करके वहाँ जाओगे तो वहाँ मतलब 70 दिन 72 दिन का है, तो उसमें समय लगेगा। ये काफला है इतने दिन का, 2 महीने से ऊपर का है और चलेगा ये। अब ये आए हैं कर्नाटक आंध्रा आपके, ये महाराष्ट्र गोवा ये सब जो आए हुए हैं, उड़ीसा इधर सब मतलब ये, तो ये सब पत्री ले गए कि कहाँ कहाँ पड़ा पड़ेगा, तो उनका हम इंतजाम करेंगे, हम करेंगे। अरे हमको तो जगह चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पानी मिलता हो, तो जैसे बस, और बाकी तो हमको कोई इच्छा नहीं। जगह चाहिए कि यहाँ जगह में सब बैठ जाए, और पानी चाहिए पीने के लिए पानी मिल जाए, उसको बता दीजिए। तो लोगों ने सब महाराज के लोगों ने कर्नाटक खूब किया, खूब पानी अच्छी तरह जगह खूब दी, और जो भी मदद होती है मदद की, और तो हमको कुछ चाहिए नहीं। सब लोगों ने सहयोग दिया और पानी दी जगह दिए, बड़ा भारी सहयोग। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ भाई उधर भी तो चल के देखो कि लोग कैसा करते, तुम्हारे यहाँ यहाँ भी तो सहयोग दिया लोगों ने अच्छी तरह से कार्य किया, तो सब इस भाग में जुट जाते लेने में, और सबका बल परमार्थ का मिल जाता। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। कपड़ा जरूर डाल लो, कपड़ा बहुत पोशीदा है और गोपनीय चीज को जल्दी से प्राप्त करोगे, ऐसे खुले हुए नहीं। आंख बंद करो, कान बंद करो, ऊंचा ध्यान देकर कानों से जो सूरत के कान है, जीवात्मा का एक कान है उसे सुनो, अंदर के कानों का रास्ता अंदर से और बाहर के कानों का सुनने का रास्ता बाहर से। तो बाहर के तो कान हो गए बंद, अब उसको अंदर आवाज तो मत जाने देना, अंदर के कान से सुनो ऊपर से आवाज आ रही है आपको लेने के लिए। बैठ जाओ भजन पर, बोल दीजिए जिस जमीन पर बैठे हो जब महाप्रलय आएगी, जब महाप्रलय आएगी, महाप्रलय होती है तो जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन एकदम पानी में घुल करके देर नहीं लगेगा कुछ भी। पृथ्वी पर कोई अनाज नहीं, चारा नहीं रहेगा, पेड़ की पत्तियां सूख जाएंगी, आदमी जो है तड़प तड़प करके जाएगा, पशु पंछियों को कुछ मिलेगा नहीं, वो तड़प तड़प करके, और ये सब पृथ्वी घुलेगी तो आदमी क्या करेगा, कितना मतलब यह है कि अपनी जीव कैसे करेगा, कितना उसको वेदना होगी। फिर पानी में सब घुल गई, पानी का रूप सारे विश्व पानी पानी हो गया, क्यों कि 3 हिस्सा तो पानी अभी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। जब पानी में ये पृथ्वी घुल गई तो अग्नि पानी को सोखेगी, तो जितने भी जल में जीव हैं वो तड़प तड़प करके तड़प तड़प बिना पानी के सब मर जाए सब के सब, और अग्नि को वही सोख लेगी। अब भाग खिंचा यहाँ से, और वह अग्नि को वायु ने सोखा और वायु को आकाश ने, आकाश को मतलब खींच लिया आध्या महाशक्ति ने, और फिर उसके बाद निरंजन का चिमटा हुआ पूरा का पूरा, स्वर्ग का वैकुंठ का ये सब, न ब्रह्मा न विष्णु न कोई बचने वाले नहीं। उसके बाद में ब्रह्म तप को समेटेगा,
ये समेट जाएगा तो पार ब्रह्म सबको समेट लेगा, कोई लोग कोई देख नहीं रहेगा, सब समेटता चला जाएगा, चटाई की तरह से ऐसे लिपटता जाएगा सब, और पार ब्रह्म के पार वहां इसका नाका है, वहां जाकर के प्रलय रुक जाएगी, आगे रुक जाएगी। अब कितने युग बीत जाएंगे, कितने काल बीतेंगे, उसका कुछ नहीं, कब होगा फिर से विस्तार। अब ये वहां प्रलय हो गई, कुछ नहीं रह, कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई किताब नहीं, किसी तरह की कोई चीज, जब मतलब पृथ्वी नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगा, तो आप क्या कर, तब चले जाएंगे चटाई की तरह से समझ लिया। आपको ये क्रम पता नहीं, जानते नहीं, कुछ नहीं रह गया, लेकिन महात्माओं ने तबने कहा कि प्रलय होती है, प्रलय आएगी। मुसलमानों फकीरों ने कहा क्यामत होती है और क्यामत आएगी, उस समय पर सब रूहें सब जीवात्माएं भक्ति दी जाएगी। अरे ऐसे भक्ति जाएंगी वो सब कसर निकाल लेगा, जिस तरफ की तड़प होती है, और जब खाना नहीं मिलता तो माँ बच्चे को मार के खा जाती है, और मतलब ये स्त्री मौका पाए तो पति को मार देता, और पति स्त्री को, ये विधर्म एकदम से ऐसा खतरनाक दर्शाता है कि इसको कोई देखना नहीं देख, ये हालत होती है, कोई किसी को छोड़ता नहीं, भूख इतनी है, और चिल्लाते हैं कोई सुनने वाला नहीं, कि जब कुछ है ही नहीं है तो सभी के ऊपर में आफती आई। इस तरह से सब वही यहाँ, सब उसका जितना मुजरा सब वो करा लेगा, और तब आपको यहाँ से जाने, तो वो भी चले जाते, वो भी तो मट जाएंगे, कोई देवी देवता कहीं भी किसी जगह नहीं रहेगा, न ब्रह्म रहेगा, न पार ब्रह्म रहेगा, न ईश्वर रहेगा, तो आप करके चले जाएंगे और चटाई की तरह समझ लिया, जैसे चटाई को समझ लिया। फिर कब विस्तार होगा ये तो महात्माओं को मालूम है, लेकिन जब जमीन पर रहते हुए आप यहाँ ही नहीं, ये तो जमीन उसकी है और आप अपनी बनाते, कहते काम चल रहा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखो चारों तरफ है, पूरब भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण। ये मत समझो कि काबे में खुदा है, या ये मत समझिए पूर्व में भगवान है, वो चारों तरफ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे और ऊपर भी है, और वो सब आपको देख रहा है, कोई चीज उससे छुपी नहीं है, लेकिन आप अंधे हो, इसलिए आप सोचते हो वो नहीं देखता, वो नहीं देखता, वो नहीं देखता, वो सब देख रहा है। अब जब आप उधर चलोगे तो आपको पता हो जाएगा कि कैसे हम देखते हैं और कैसे ये देखते हैं, और ये कैसे नहीं देखते, सब मालूम हो जाएगा। इसलिए वो चारों तरफ सब दिशाओं में, उसके मत समझो एक तरफ खाली हो गया, या पूरब में पश्चिम में, या पश्चिम नहीं पूरब में, इधर इधर भगवान से खाली हो गया, खाली कहीं नहीं, सब जगह देखता, हर जगह पर उसकी आँख है। अरे भाई इतना ही तो दे, ये आपको तो इतना सा है, एक छोटा सा एक इंच, इतना भी नहीं, चलो भाई बुराई का दुख काम आपको तो जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ऊपर बैठा हुआ तो जब एक ही के दायरे में चल रहे उसको सब नीचे देखा, सब नीचे देखा, जब हमने देखा, मीरा भाई ने देखा, रेदास जी ने देखा, चरण दास जी ने देखा, सबने और सबने बताया कि ऐसे सुधर जब इतनी छोटी चीज है तो वहां उधर दिखाई दे, तीन हजार रुपया में लेता है कोई भी उनको, या वो बैठ के देखते वो देख सकता है, अभी तो आपको इतना दिखाई देता है, ऊपर जितना जाइए उतना ही छोटा देता,
नाम का स्मरण नहीं करोगे तब तक आप
अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो, इसलिए गांव वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में त्रेता में द्वापर, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष ज्ञानी योगी अवतारी आए, औलिया आए, ठीक है, अपने अपने स्थान के लिए ठीक थी, लेकिन उनको आपने देखा नहीं तो आप किसका ध्यान करोगे, किसकी मूरत मन में बसाओगे, किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे, क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना, ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम, सबने गुरु को आगे रखा, बगैर कुछ गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सके। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूरत मन में बसा, दिया हुआ नाम छिन छिन में याद करो तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो बोलो वचन सुनो सारवन से, गुरु दर्शन करो ले, कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूरत को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा लीजिए। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा। तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बने हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बना। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर है, मेरी गमना जमना तुम्हारा काबा है। ये जो आप पकड़ रखा है जकड़ का बंदर की तरह से, छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया, बंदर आया उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया, मुट्ठी फैल गई, तब तक आदमी चल दिया तो चना छोड़ता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक आओ उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा, जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़े। कहते हैं कि जब
सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूरत का दर्शन करोगे, मन में नाम का छिन छिन तो मतलब याद करोगे, तो अपने आप रखो जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत है, महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो गोरो ही गुरु गावो भाई, गुरु ही तेरे हो ऐसा। तुम गुरु गुरु गाओ और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करें। साल में एक बार गुरु को याद किया और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे तो सहायता समान क्या होगी। इतने तो भक्त होने की आपके पीछे 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 चले साल में कभी, वो भी ऊपर से जवान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जवान से बस, तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त गुरु गुरु का फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा भी 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जलम मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने, ये मोहर लग जाएगी पक्का हो जाएगा। ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं दस्तावेज, वो जो कहे वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को सुरत को जगा लेंगे। बोलो गुरु में कोई ना। जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया, मुर्शिद मिला गुरु मिला तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने, बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु की वो हवा की तरह समझा, एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र है, औपचारिक है, व्यवहारिक है, क्या गुरु की जरूरत है। इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन बचनों पर चलते रहते तो सब व्यवस्था सबके लिए ठीक होती और सब लोग शरीर से सुखी रहते। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख, जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सो न शिखर पहुंचा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सुरज जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी युक्ति बताएंगे, और जब युक्ति बता देंगे भेद बता देंगे तो आपसे कराएंगे, तो सूरत को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ा ले चले। गगन कहते हैं आकाश,
जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा ग्रहण, ऐसे ही आका। तो ये सूरज चांद इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है, उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश है, उसके सामने उस रोशनी उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में साफ छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चले उस तरफ, जब वो गोपनीय है भेज दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे। स्थान है सदल कमल, इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान, गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। इधर से ये सूरत आई उधरी, आप क्यों डरते हो? घर का भेद बताया घर में जाने का, तो रह खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का काल का कर्जा है, कर्जे के बसीभूत होकर आपको भय लगता है। नहीं अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वह डर किस बात का, वहां तो जो पहुंचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी रोगी दोगी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचार और सोग आनंद और शक्ति के लोग में पहुंच जाएगा परम धाम में। तो डरने की बात क्या, कहते हैं गुरु धीरे धीरे चला ले चले। बोलो गोरो साथे लोग कर साया, गोरो बालक गम पर साया। कहते हैं कि वो जहाँ से सुरते आई है वो सतलोक है, कितना बड़ा कितना लंबा कितना छोटा उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि सब जीवात्माओं का जो चर चर में पशु पंछी कीड़े मकूड़े जितने भी जीव जंतु थे, जल में थल में वायु में आकाश में, ये सब जीवात्माएं वहीं से आई, और सबसे पहले इन सबको नरथन मनुष्य शरीर मिला। पहले कोई भी पशु पंछी कोई कीड़ा नहीं, जब नर शरीर सबको दिया गया, जितने भी आए नर शरीर पाने पर जब एक विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा अपने अपने कर्म का फल पाएगा, तब उन्होंने फिर चार खाने चौड़ा जिले चुनिया और नरक बनाए। फिर जो जो गलती करते गए, किसी ने ज्यादा किसी ने कम किसी ने उससे ज्यादा उसको उठा के बंद करते गए कारागारों में और सजा देते चले गए। पूरा का पूरा विधान लिखा हुआ है वेदों में, क्योंकि आज में वेदों में ही कर्मों का विधान बना और तो कोई किताब थी नहीं, और वो ब्रह्मा ने जो उन्होंने वाणी उच्चारण की वही सुन करके लिख दी, फिर उसका आदेश अनुसार प्रचार सबको सुनाया गया, सब में किया गया। जब प्रचार हो गया तो फिर उन्होंने अधिकार दे दिया कि जो भी जो करेगा उसको ये मिलेगा। बच्ची उन्हें जाते थे बेचारे, धीरे 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 करने लगे उसी तरह की, धीरे धीरे छोटी सजा उससे छोटी उससे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, बस सजा मिल गई। अब जी उतर गए, नीचे उतार दिए गए चारों खानों में, अब इनको मौका कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर फिर मिला आपको, और ये चढ़ने के लिए मिला, नीचे जाने के लिए नहीं, तो आपको तो इसकी चिंता नहीं। कहते हैं सारी जीवात्माएं सतलोक से इनका उतार हुआ,
इन सब का मालिक सतपुरुष है, संत लोग में रहते हैं। बोला यहाँ कभी आएगा कभी आएंगे, उनकी मौज मर्जी से संत वहां से भेजे जाते हैं, जो जीवों को जगाने के लिए वापस ले जाने के लिए आते हैं, जो उनका कहना मान लेंगे और युक्ति ले लेंगे और प्रेम प्यार कर लेंगे वो चल देंगे वापस, घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो अपने अपने कर्म का फल जो करेंगे वो फिर होंगे, क्योंकि ये तो मृतलोक में अंतिम स्थान है मनुष्य शरीर का, जहाँ जीवात्मा बैठी है। ऊपर जाने के लिए दोनों आंखों के मध्य भाग में अगर इससे नीचे उतर गए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता, एक ही बार दिया गया फिर नीचे जा रहे हो, तो जाना चाहिए था उनका। बोलो घोरो ने सब भेद सबका, नीचे से लेकर के ऊपर तक चार खानों 84 योनियां स्वर्ग बैकुंठ है ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक ये सब उन्होंने पूरा का पूरा मतलब एक ही वर्णन किया बताया संतों को दिखाया, तो गुरु से बढ़कर के और कौन होगा किसको माना जाए, वो तो सब कुछ ही वो न मिले तो किसी को नहीं जाता। बोलो ये करनी का भेद है ना ही बोध विचार बोध छोड़ करनी करे तब पावे कछु सारे, करनी का है तो मेहनत का है तो भजन करने का है, वचन सुन लिया मन में बसा लिया उनकी मूर्त अच्छी तरह से, फिर जो नाम दिया उसको आपने हर वक्त याद रखा और बताया कि ऐसे भजन करो करने लगे, तो कहते हैं करनी का भेद है, ये बुद्धि का नहीं, इसमें बुद्धि कुछ नहीं कर पाई, और बुद्धि को छोड़ कर करनी करो मेहनत करो भजन करो, नाम को सुनो शब्द को सुनो अंतर दरवाजे पर बैठ कर तब तो गुस्सा मिल जाएगा, और बुद्धि में लड़े रहे किया कराया कुछ नहीं, ना भजन किया ना ध्यान किया ना सुना ना गुरु की बात सुनी ना उसको याद किया, तो फिर क्या करेगा, ये तो करने का मेहनत का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं, क्योंकि बुद्धि तो नीचे छूट जाएगी, मन भी नीचे छूट जाएगा, चित्त भी नीचे छूट जाएगा, ये सब चीजें प्राण भी नीचे छूट जाएंगे, ये तो सूरत है जो अकेली होकर के इन सबको अपने अपने स्थान पर भंडार में लेकर पी निकल जाएगी, तो गुरु चाहिए डगर गुरु चाहिए, उसको कैसे पहचानेंगे, डगर गुरु के कैसे पहचान सकते, जिसने देखा वही पहचान कराएगा, वही दिखाएगा कहेगा ये है ये ये है ये ये है ये, हाँ दुनिया चाहती है कि हम ऐसे चले जाएंगे, खाली नशेबाजी में जब बुद्धि खराब होती है तो ये तो होता है जो हो रहा, उसको कहने की जरूरत क्या है, वो तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हो घर घर में समाज में देख रहे हो देश में जातियों में देख रहे हो धर्म में देख रहे हो, जो हो रहा हो तो आप देख ही रहे हो, वो मनुष्य का काम है, जो हो रहा है इंसान का काम है, ये सब हैवानों का काम है, ये इबादत का काम नहीं है, जो सच्चा भजन है भजनानंदी इन काम को नहीं करता, ये तो पागल लोग करते हैं, जिनकी मति इनकी अकल भ्रष्ट हो जाती है वो इस काम को करते हैं, निकृष्ट काम, गुरु की महिमा को कौन जानता है, ये तो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का
लगातार आना हो रहा है, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। पहले तो संत ही नहीं, इसलिए क्या कोई जानेगा। तो महापुरुष धीरे 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 आपसे ज्यादा जल्दी करते हैं कि जीव किसी तरह से जल्दी यहाँ से निकल चले। उनकी तरफ से देर नहीं होती, लेकिन आप ऐसे हो कि पसर जाते, इच्छा लेकर स्वार्थ लेकर पसर गए। इसी स्वार्थ में, किसी स्वार्थ में, कोई भेद में परस गया, कोई पसर गया, घर में, कोई खेती में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई ममता में, कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई अहंकार में, पर लेट गए बस। वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तुम कराने नहीं चाहते, तुरंत लंगड़े बन गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं, मेरे साथ जुर्म हो रहा, बस क्या करें। जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, वो तो मेहनत करते ही है। इतने बाप या माँ बच्चे की क्या मेहनत करेंगे। बीमार के साथ मेहनत नहीं कर सकते, जो मेहनत महात्मा करते हैं। और धीरे 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 प्रेमियों के समझ में आ जाता है। आज है 7 तारीख हो गई, बीच में एक दिन और रह गया। मैं आज कैंपों में थोड़ा ऐसे ही चला गया था, कई एक कैंपों में गया हूँ, तो अभी उनके काम, अभी जो भी है उनके अधूरे पड़े हुए, उनको काम दिया गया था कि भाई आप अपने अपने भंडारों की व्यवस्था कर। कुछ आदमी पहले से रहते ना, तो आदमी तो अब एक दिन दो दिन अब आ रहे हैं। वो तो घर में कोई काम हो भी एक दिन में नहीं हो सकता। तो इतने लोगों के लिए आपको इतना कहा गया कि आप लोग सचेत हो जाइए, भीड़ बहुत आएगी, आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हो, इसलिए कुछ मतलब था, मकसद था, तो आपको कहा गया था कि आप लोग आकर के थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर जहाँ रुके वहाँ ये प्रबंध कर लीजिए। तो उसमें ढीलम पोल, दो चार आदमी क्या करेंगे इतनी बड़ी व्यवस्था। मैं तो देख रहा हूँ अभी तक दो चार आदमी थे जो इधर उधर लगे रहे, बाकी तो उनको वो थे बेचारे जो भी मतलब 150 कि अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, क्या करेंगे। आप भूल कर जाते हो तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहो। आपको उठाया जा रहा हर तौर तरीके से, किसी तरह से कोई ये ना कह सके कि मुझे उठाया नहीं गया, खड़ा नहीं किया गया, संभाल नहीं दी गई, दिशा नहीं दी गई, कुछ रास्ता नहीं बताया गया, भौतिक या आध्यात्मिक या पारिवारिक या सामाजिक या मतलब है खेती दुकान दफ्तर का। आपको सब तरह से सावधान, ये तो बारीक थाना है, इस पर तो कहते हैं खाड़े की धार है, निश्चल हो तो उतरे और डिगमे हो तो खट, नीचे गड्ढा फट गिरा, देर नहीं लगती, फौरन गड्ढे में जाएगा और वहां से फिर कोई निकाल नहीं सकता। और निश्चल हो जाए, विश्वास कर ले, तो बस पार कर जाए, बस डुगमुग ढुलमुल संशय युक्त, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये संशय में रहते। इसलिए आपको जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे, तो आप अभी तक बिल्कुल भी होश से पड़े हो,
बाहर कर देंगे, और तुम रोते हुए फिर यहाँ आते हो, घर से निकाल दिया। यहाँ औरतें आई कहते घर से निकाल दिया, आदमी बच्चे चले आ रहे हैं घर से निकाल दिए, कौन किसका है? इसलिए ये असली परिवार है। इस परिवार को एक अच्छा बना लो और अच्छे बन जाओ, तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो संभल कर अब जल्दी करो, क्या रात है, कल दिनभर है, फिर कल लोग मतलब ये कि अब परसों यहाँ एकदम जमघटी जमघट चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेगा, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होशियारी के साथ आपकी सत्संग सुनो, दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, आपके मतलब ये है कि बंगाल से, बिहार से चले आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जितने प्रांत हैं धीरे धीरे सब सिमट करके आ रहे हैं। जब दौड़ा किया था वो बातें क्या लोग भूल गए क्या? बेचारों के पास साधन नहीं, तो बेचारे हर बात को याद किए हुए हैं और याद करते हैं कि कभी एक बार फिर अवसर मिल जाए। तो जो काबलों में सुनाया गया ऐसा नहीं है कि वो जो डाल के आए जो दाना वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा, बड़ा हुआ जब उसका वक्त आएगा और बस सीजन पाते ही जमेगा। आपको मालूम नहीं महात्माओं ने किस तरह से यहाँ लोगों ने ये अध्यात्म बात को बोया और सच्चा उनको ज्ञान दिया और जीवों को परम पद में किस तरह से पहुंचाए, तो उनको मालूम। तो आप लोग एक दिन और रह गया है, रात है दिन है, आप थोड़ा लग करके सब लोग, ये नहीं कि एक दो लगे बाकी सब ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसा नहीं। हम देखते हैं दो आदमी चार आदमी काम कर रहे, बाकी इतने आए सब, उनको 10-50 तो वहां लगना चाहिए तो जल्दी हो जाए। तो एक की जिम्मेदारी नहीं, जितने आए सबकी जिम्मेदारी। बोलो जय गुरुदेव। वैसे कल का सत्संग शाम को मंदिर पर होगा, क्योंकि यहां लोग आ नहीं सकेंगे, इसलिए मंदिर पर होगा, और सुबह होता है वो यहाँ हो जाएगा, शाम को मंदिर पर होगा। आज जो आप सेवा करते थे सुबह, वो सेवा तो आज आपसे ली गई। 2.5 महीने हो गए लगातार, और अपनी अपनी जात की जकड़ में